तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर आने वाले एड्स को कैसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, ठीक है, चलाते हो, बीच बीच में रील्स के बीच में एक एड आने लगता है, या ऊपर ही अगर स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम को ओपन करते स्क्रॉल करते हो तो उसमें भी एड आने लगता है, तो उस इंस्टाग्राम एड को आप कैसे बंद कर सकते हैं, यही इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टेक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो एक्चुअली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम पर आने वाले एड्स को कैसे बंद कर सकते हैं या कैसे ब्लॉक कर सकते हैं हमेशा के लिए। और बहुत सारे लोग में जो चीज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, एड्स वाला ऑप्शन बहुत लोगों में आता नहीं है, तो वो भी कैसे आएगा आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो करना क्या, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इंस्टाग्राम का जो क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम को ओपन करूंगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तेरा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है अकाउंट वाले ऑप्शन पे नीचे आएंगे, अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर दिया हुआ है थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद गाइस करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन, इस पे क्या करना है, सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर दिया हुआ है नोटिफिकेशन आप लोगों में भी लिखा हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो करना क्या है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, लिखा हुआ है फ्रॉम इंस्टाग्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इंस्टाग्राम बर्थडे के ऊपर और फाउंडेशन के नीचे। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इस पर सिंपली क्या करना है, फ्रॉम इंस्टाग्राम पे क्लिक कर लेना है। जैसे फ्रॉम इंस्टाग्राम पे क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एड्स। ठीक है, यहाँ पे एड्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ऑन है। ठीक है, जब यहाँ पे एड्स वाला ऑफ कर देंगे ना तो यहाँ पे आपके में एड्स आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को एक बात और बता दूं कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि बहुत सारे लोग में एड्स वाला ऑप्शन आता नहीं है, यानी कि दिखता नहीं है, तो उसको कैसे लाना है, यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे गाइस देख सकते होंगे मेरा ये जो अकाउंट है बिजनेस अकाउंट है। ठीक है, आप लोग का प्रोफेशनल अकाउंट होगा इसीलिए एड्स वाला ऑप्शन नहीं आता होगा। और गाइस उसके बाद एक सेटिंग और आप लोग को करना है, बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ऊपर यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है गूगल। ठीक है, गूगल वाले ऑप्शन पे सिंपली क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। जैसे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे ना तो इस प्रकार के इंटरफेस आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद गाइस करना क्या है, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, एक सेटिंग बस और आपको करना है। एड्स वाला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्स वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे एड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट एडवर्सिंग आईडी, सब किसी के फोन में हुआ है यहाँ पे रीसेट एडवर्सिंग आईडी, इस पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है रीसेट एडवर्सिंग आईडी, यानी कि रीसेट करना चाहता है तो यस, तो क्या कीजिएगा, यस अगर करना चाहते हैं तो कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे दो तीन बार भी कर सकते हैं, यानी कि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे करके रीसेट एडवर्सिंग आईडी कर लीजिएगा। उससे रीसेट एडवर्सिंग आईडी करने के बाद और इंस्टाग्राम का एड वाला सेटिंग बंद करने के बाद आपके इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जो है एड नहीं आएगा। तो गाइस हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।